नमस्कार दोस्तों, दी प्रोफेशनल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। अंगड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। अंगड़ी के निधन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उनके घर पहुंचे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विभिन्न हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। कर्नाटक के बेलगावी से सांसद सुरेश अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट करके खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अंगड़ी ने लिखा था, आज मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं ठीक हूँ, डॉक्टरों से सलाह ले रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोरोना के कोई भी लक्षण आने पर टेस्ट करवाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। यह जनसेवा के क्षेत्र की, विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि है। मेरी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार, सहकर्मियों और असंख्य सहयोगियों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे जिनकी प्रशंसा होती थी। उनका निधन दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। इस तरह के ताजा तरीन खबरें देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद। जय हिंद।